मुरादाबाद थाना सिविल लाइन क्षेत्र में आए दिन मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के आदेश अनुसार पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध व्यक्तियों की रोकथाम हेतु अभियान चलाया, जिसमें थाना सिविल लाइन प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन नवल मारवा द्वारा टीम गठित कर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान चलाया जा रहा था। थाना सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता जब मिली, जब चौकी प्रभारी रामगंगा बिहार द्वारा अपनी टीम के साथ वाहन चेकिंग करते गजल बार के चौराहे पर दो व्यक्तियों को संदिग्ध रूप में गाड़ी ले जाते हुए देखा। उन्हें रोककर उनके कागज चेक किए गए। चेकिंग के दौरान वे कोई संतोषजनक जवाब न दे सके तो पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने गहनता से जांच की तो पता चला ये दोनों युवक एक शातिर किस्म के व्यक्ति हैं और पहले से ही अन्य मुकदमों में वांछित चल रहे थे और वाहन चुराकर उन्हें बेच देने का कार्य कर रहे थे। पूछने पर दोनों युवकों ने अपना नाम वसीम और अभिषेक बताया। पुलिस ने पकड़े गए युवकों से पूछताछ की तो उनकी निशानदेही पर चोरी की 4 मोटरसाइकिल 4 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी, जिसका खुलासा सिविल लाइन पुलिस ने एक प्रेस वार्ता के दौरान किया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए गए संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग अभियान में थाना सिविल लाइन्स पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए दो संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, जो कि पहले भी जिनके बारे में खबर थी कि ये चोरी वाहन चोरी और मोबाइल चोरी का काम अंजाम करते हैं। इनके पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। 2 मोबाइल ओप्पो और रियल रेडमी कंपनी के। ये वसीम उर्फ किरकिला पुत्र हबीब भारती निवासी नया गांव थाना सिविल लाइन्स के से बरामद हुए हैं और 2 मोबाइल रियलमी और सैमसंग ये अभिषेक पुत्र राम सिंह निवासी नया गांव इससे बरामद हुए हैं। इनके पास से 4 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई हैं, जिनमें से एक मोटरसाइकिल पे ऑलरेडी मुकदमा लिखाया गया था थाना सिविल लाइन्स में। 4 मोटरसाइकिल में से 2 मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर है, 1 हंक मोटरसाइकिल है, 1 सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल है। इन लोगों ने इनके नंबर प्लेट को भी चेंज किया और चेसिस नंबर भी हटाए थे, तो ये बड़े ही अभ्यस्त तरीके का अपराधी हैं, जिसमें से जो वसीम उर्फ किरकिला है इसके खिलाफ पहले से ही 7 आपराधिक 7 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं और इसका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। और इसको गिरफ्तार करके सिविल लाइन्स थाने में पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और इससे वाहन चोरी के जो अपराध हो रहा था और मोबाइल चोरी के जो भी अपराध हुए हैं उनको रोकथाम लगाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इनसे पूछताछ में और भी कई नामों का खुलासा हुआ है, जिन पर कार्रवाई करते हुए उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और बरामद की जाएगी। जो मोटरसाइकिल चोरी करते थे 3 नामों में यह मोटरसाइकिल ये चोरी की मोटरसाइकिल ये अपने जानकार लोगों को आसपास ये बेचा करते थे और इसको बहुत ही ये मतलब कम दाम में बेचा करते थे और इसके पेपर वगैरह भी ये सप्लाई नहीं करते थे, चेसिस नंबर और ये नंबर प्लेट हटा देते थे, तो इनकी भी अभी जानकारी की जा रही है कि ये किन किन को बेचते थे। जनपद के बाहर अभी इस चीज़ की जानकारी की जा रही है कि कहाँ बेचते थे।